हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक करेले की बहुत ही मज़ेदार सी भुजिया, जो कि एकदम सी क्रिस्पी होगी और बहुत ही मज़ेदार सी होगी और कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए हम झटपट से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेला ले लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से छील दिया है। तो हमें इस तरीके से अपने करेले को छील लेना है। छीलने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो पहले हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। बीच में से कट करने के बाद जो इसके बीए होते हैं, अगर वो बीए अगर कड़े हो तो हमें इसे निकाल देना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीए हैं, तो हम पहले इस बीए को निकाल देंगे और इसे हम बारीक बारीक इस तरीके से कट कर देंगे। तो हमने अपने सभी करेले को इस तरीके से कट कर दिया है। तो करेले को बारीक बारीक कट करने के बाद हम इसे पानी में डाल देंगे और 10 मिनट तक इसे रख देंगे और एक चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो उनका कड़वापन वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल को ले लिया है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज को भी लिया है। तो पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी प्याज को एकदम गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब हमारी प्याज एकदम गोल्डन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नमक वगैरह भी कुछ ऐड नहीं करना है, बस हमें प्याज को अपनी फ्राई करना है। तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब उसी सेम तेल में हम क्या करेंगे, जो हमारे करेले थे उसे भी हमें इसी तरीके से गोल्डन फ्राई करना है। तो इसमें भी हम अभी नमक को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अपने जो हमारे करेले उनको हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, जब क्रिस्पी से ये हो जाएंगे, तब हमें क्या करना है कि जो हमने प्याज अपने निकाल के रखे थे फ्राई करके, उस प्याज को हमें इसमें ऐड कर देना है। और हमें अब इसमें एक टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च को, जितना आपको तीखा चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च को हमें इसमें ऐड कर देना है। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब जाकर हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक को ऐड किया है। और नमक ऐड करने के बाद उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर देंगे और तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस हमने इसे ढक दिया है और ढक के 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पक ही चुके हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे करेले जो है पक्के एकदम से तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी से बन के तैयार हुए। ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। एक बार से आप ट्राई करिए, बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाएँगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरीके से आपके सामने रेसिपी नई नई रेसिपी लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।